पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हनुमान मूर्ति तिराहे पर एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा नॉइस पॉल्यूशन करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। 13 वाहनों से लगभग 1,30,000 रुपए की वसूली की गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति तिराहे पर बुधवार को एआरटीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण विभाग द्वारा नॉइस पॉल्यूशन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 13 वाहनों के चालान काटे गए, जिनसे कुल 1,30,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। एआरटीओ ने बताया कि हम नॉइस डेसिमल मीटर की मदद से गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न की ध्वनि को चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों में ध्वनि अधिक ज्यादा पाई गई, उन गाड़ियों का चालान किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन मोटरबाइक में ओरिजिनल साइलेंसर निकलवा कर आर्टिफिशियल साइलेंसर लगवाया गया है, उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा। यहाँ नॉइस पॉल्यूशन बहुत सारी गाड़ियाँ जो प्रेशर हॉर्न लगा के चल रही हैं, और मोटरसाइकिल में और बुलेट में ये ओरिजिनल साइलेंसर निकाल करके और तेज़ ध्वनि करने वाला आर्टिफिशियल साइलेंसर लगाते हैं, जिससे ये जाते समय जिस भी लोकेलिटी से निकलते हैं वहाँ लोगों को परेशानी होती है। और ऊपर ये आदेश हुआ है कि इस प्रकार के साइलेंसर्स नहीं लगने चाहिए, और तेज हॉर्न वाले प्रेशर हॉर्न वाले हॉर्न जो है वो गाड़ियों में नहीं होना चाहिए। आज जो अभियान चल रहा है नॉइज पॉल्यूशन जो वाहन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, आज का जो अभियान है वो नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर किया जा रहा है। अभियान कब तक चलेगा सर? यह 10 तारीख को।